आजकल जहाँ देखो वहाँ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चारों तरफ कोरोना की बीमारी को लेकर चर्चा बनी हुई है। हर कोई उसके बचाव पर चर्चा कर रहा है, कोई बाहर तो कोई अपने घर में। सोमपुरा गांव में रहने वाले लल्लू और कल्लू दो भाई भी स्कूल से आते हुए कहते हैं, अरे रुको रुको रुको, पानी के ग्लास को हाथ मत लगाना। क्यों, ग्लास गरम है क्या? ग्लास नहीं, माहौल गरम है। आज से हमारे स्कूल की छुट्टियां क्यों हो गई हैं? क्योंकि चारों तरफ कोरोना वायरस की न्यूज से माहौल गरम है। इसीलिए बेटा, कहीं से भी आने के बाद किसी भी चीज को छूने से पहले अच्छी तरह साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अरे यार, अरे रुको रुको, बिना हाथ धोए अपने मुंह, नाक, आंख, माथे पर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अरे ये माथा भी मैं साथ लेकर गया था, यहाँ रख कर नहीं गया था। जो हवा हाथ को लगी वही माथे को भी लगी होगी। ऐसा नहीं है बेटा, आप स्कूल गए, बस में चढ़े, बैठे, उतरे, क्लास की बेंच पर बैठे, कहीं भी तुमने अपना माथा लगाया नहीं ना, पर हाथ हर जगह लगाया। और कोरोना वायरस के जर्म्स किसी भी धातु पर 24 घंटे जिंदा रहते हैं। अगर आपका हाथ उस पर पड़ा तो वो आपके हाथ में आ जाएंगे, फिर आप जहाँ जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ वहाँ वो जर्म्स जाएंगे। अगर आपने अपनी नाक, कान, मुंह, आंख, माथे पर लगाया तो वो आपके ही अंदर चले जाएंगे। बाप रे, तो मुझे क्या करना चाहिए? घर पर तो साबुन पानी मिल जाएगा, पर बाहर बाहर क्या करूं? बाहर तुम हमेशा अपनी जेब में सैनिटाइजर रखो। जैसे ही कहीं ऐसी वैसी जगह पर हाथ लगे, उसके बाद अगर तुम एक ही जगह पर पढ़ाई करने वाले हो तो वहाँ सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो, इससे तुम सेफ हो जाओगे। मैं तो क्लीन हो जाऊंगा, पर मेरे आसपास कोई कोरोना वाला हुआ तो? कोरोना वाला हो या ना हो, हर इंसान से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए, तभी तुम औरों के कोरोना वायरस से सेफ रह सकते हो। ओह, तभी हमारी क्लास की पूजा को जोरों से छींक और खांसी आई तो हमारे मॉनिटर के कहने पर हम सब उसके पास से भाग गए थे। उनके पास से भागना नहीं चाहिए बेटा, उन्हें खांसने का तरीका सिखाना चाहिए। लो, खांसने का क्या तरीका सिखाना, वो तो सभी को बचपन से आता है। जब भी खांसी आए ऐसे मुंह या नाक पर हाथ लगाकर खांसना चाहिए। ये रॉन्ग है कल्लू, हम छींकने खांसने के बाद अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। खांसने पर जर्म्स हमारे हाथ में आ जाएंगे, फिर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम अपनी बाह का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते, हमारी बाह अक्सर कपड़ों से ढकी रहती है, इसीलिए छींक या खांसी आए तो ऐसे ऐसे खांसना चाहिए। अरे हाँ, बाह का तो हम कहीं भी यूज नहीं करते, करेक्ट है। तो यही बात छींकने और खांसने वाले को भी समझानी चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। माँ, लोग तो ऐसी गलत गलत बातें मोबाइल पर फैला रहे हैं कि हम सारे बच्चों को लगा अब नहीं जिएंगे। अगर ऐसी कोई भी बातें सोशल मीडिया पर कोई फैलाए या गलत न्यूज़ एक दूसरे को फॉरवर्ड करे तो सीधे इस नंबर पर हमारी सरकार को सूचना दे, 8950000946। हाँ, इस नंबर पर सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा, और अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इंसान बीमारी से कम अफवाह से ज्यादा टूट जाता है। हाँ माँ, आपको पता है दुबई से आए 11 खिलाड़ियों पर कोरोना वायरस का शक होने पर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा था।
वो 11 के 11 वहाँ से भाग गए। क्या बात करता है, तुझे किसने कहा? हमारी टीचर ने। स्कूल में इस टीवी न्यूज के चारों तरफ चर्चा थी। क्या बात कर रहे हो लल्लू, लगाओ तो टीवी। इतनी सीरियस न्यूज के बारे में हमें पता ही नहीं। और अभी अभी ये खबर आई है कि 11 खिलाड़ियों के हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से भागने के बाद एक और मरीज आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से कूदकर भाग गया है। पुलिस उन्हें बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। आम जनता से भी निवेदन है कि उन्हें ये शख्स कहीं भी नजर आए तो तुरंत अपने एरिया के पुलिस स्टेशन या 100 नंबर पर सूचना दें। लल्लू, जब सरकार की तरफ से फ्री इलाज की सुविधा है, फिर भी ये मरीज लोग भाग क्यों जाते हैं? पता नहीं। नो कल्लू, क्या कहा था? कुछ भी करने से पहले और कुछ भी करने के बाद हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए। हाँ, सिर्फ ये ही एक सबसे आसान तरीका है जिससे हम कोरोना वायरस से एकदम सेफ रह सकते हैं। मतलब खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोना चाहिए, है ना? हाँ। रात को लल्लू कल्लू अपने कमरे में सो रहे हैं, तभी अचानक उनके एक कमरे की खिड़की पर एक भारी बैग के साथ वही मरीज का चेहरा उभरता है। वो यहाँ वहाँ देखता है और खिड़की पर चढ़कर अंदर कूद जाता है। यहाँ ढप की आवाज सुनकर लल्लू कल्लू की नींद खुल जाती है। लल्लू, तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई हमारे घर के अंदर कूदा हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कौन हो सकता है? ओह, तुम दोनों हो। मुझे लगा कोई हमारे घर में कूदा है। हमें भी यही लगा माँ, तभी तो हम आए हैं। अरे, ये तो वही अंकल हैं जो हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से भागे हैं। हाँ। नो नो, हेलो, दूर से, नमस्ते, नमस्ते। तुम्हें पता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति भी एक दूसरे से बचने के लिए दूर से नमस्ते करते हैं। हाँ हाँ, ये लो, पानी तो पियो। अरे, आप लोगों को डर नहीं लगता? मैं हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से भागा हूँ, 1 मीटर की दूरी पर रहो। वही तो पूछना चाहते हैं अंकल, जब हमारी सरकार कोरोना वायरस से बचने के लिए इतनी फैसिलिटी दे रही है, तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्यों हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से भागते फिर रहे हैं? 14 दिनों तक कौन आइसोलेशन में सड़ेगा? ये तो गलत बात है अंकल। 14 दिनों की तकलीफ से अपने आप को बचाने के लिए आप जैसे लोग औरों को नुकसान पहुंचा देंगे। और आप लोग को क्या लगता है, इस तरह भागते फिरोगे तो बच जाओगे? वही तो, और फिर आप भागकर कहां कहां जाओगे? आज मेरे घर घुस आए, कल किसी और के घर घुस जाओगे। चलो, हम तो आपके अपने नहीं हैं। पर आपके अपने भी तो होंगे, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, यार दोस्त। 2-4 दिन बाद तो आप अपने घर लौटोगे, तब क्या होगा? आपके अपने भी इस बीमारी का शिकार होंगे। आपके साथ साथ वो सभी चल बसे तो? हमारा देश तो कुर्बानियों का देश है। लोग दूसरों के लिए अपनी जान दे देते हैं, और एक आप हैं, अपनी जान के लिए कितने ही अपनों की जान लेना चाहते हैं। उनकी भी जो आपके अपने खून हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतने बरसों रिश्ते निभाकर आपका ख्याल रखा, हर दुख दर्द में आपका साथ दिया। तुम सही कह रहे हो बच्चों, मैं 5 दिन पहले आउट ऑफ इंडिया से आया था, तभी से मुझे कोरोना वायरस था, पर मैंने ये बात छुपाई। एक नॉर्मल क्लिनिक में 5 दिनों तक इलाज करवाया था। जब तक लोगों को पता चला, तब तक मैं कितने ही लोगों में कोरोना वायरस फैला चुका था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
काश तुम लोग पहले मिले होते, मेरी आंखें खोल दिए होते, तो आज मैं इतने अपनों को अपनी बीमारी का शिकार नहीं होने देता। तो देखा दोस्तों आपने, इस बीमारी से हम बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। जब हमारी सरकार हमें इतना सपोर्ट कर रही है, फ्री में इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो क्यों हम लोग उससे डरकर भाग रहे हैं? तो प्लीज आप लोग इस बीमारी से डरे नहीं, सब मिलकर इसका मुकाबला करें, इससे लड़ें। याद रखें, जो भी चीज पैदा होती है वो एक दिन खत्म भी होती है और ये भी खत्म हो जाएगी। बस जरूरत है सपोर्ट करने की और हौसला रखने की।